इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपने व्हाट्सएप पर स्टेटस कैसे लगा सकते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के कितने तरीके होते हैं और व्हाट्सएप लगाने का सही तरीका क्या होता है और यहाँ पर हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस कैसे लगाया जाता है वही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए बेसिकली कई तरीकों से यहाँ पर व्हाट्सएप में दो तरीके से आप अपने यहाँ पर स्टेटस लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, देखिए अपने यहाँ पर गैलरी से कोई भी वीडियोज़ को आप चूज़ कर लीजिए जिसे भी आप लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में ये वीडियो में स्टेटस लगाना चाहता हूं तो इसके लिए देखिए ऑप्शन मिलता है यहां पर, देखिए शेयर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए हम अपने व्हाट्सएप को चूज कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से व्हाट्सएप पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप क्लोन है इसलिए हमें दोबारा शो हुआ। अब अपने माई स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए शेयर पर हम नीचे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी फाइल्स यहाँ पर आपकी 30 सेकंड से अंदर होगी तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, वरना 30 सेकंड तक ही शो करेगा। तो 30 सेकंड के बाद आपको दोबारा यहाँ पर वीडियो लाके इस तरीके से स्वाइप करके उसके आगे की लगानी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो यहाँ से शेयर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है, अपने व्हाट्सएप पर जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे अपने व्हाट्सएप को और यहाँ देखिए स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले तो हमारा स्टेटस लगे हुए हैं देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमने जो अभी स्टेटस लगाया वो ये लगा हुआ है। अगर आप और भी स्टेटस लगाना चाहते हैं यहीं से तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर कैमरे का आइकन मिलता है, क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप अपने स्टेटस को लगा सकते हैं इस तरीके से, ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, गैलरी पर हम क्लिक करते हैं। गैलरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप जो भी फोल्डर्स जिसमें भी आप अपनी वीडियोस को चूज करना चाहते हैं उसे ओपन कर लेंगे। क्लिक करता हूँ, नीचे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये भी देखिए हमारा स्टेटस यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए वीडियो के लास्ट पार्ट में ये देखने को मिल जाएगा तो हमारा स्टेटस है यहाँ से भी लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उनके यहाँ पर इस पर व्यूज नहीं आते हैं, यहाँ पर जो आप स्टेटस लगाते हैं उन पर व्यूज नहीं आते तो आप यहाँ पर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जब स्टेटस लगाते हैं तो यहां पर देखिए आपको चेक कर लेना है, यहां पर थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, सेटिंग का आइकन मिलता है, आप सिंपली सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे चले आएंगे तो यहां पर देखिए आपको लास्ट में आना है और यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए यह माय कॉन्टैक्ट पर ही सिलेक्ट होना चाहिए, अगर आपका यहां पर इस पर सिलेक्ट होगा तो इस पर आप जिन जिनको सेलेक्ट करेंगे इनको देखिए आपका स्टेटस शो नहीं होगा। ये देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट कर रखा है तो इन लोगों को हमारा स्टेटस शो नहीं होगा। चलिए मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूं। नीचे देखिए ओनली शेयर पर क्लिक करेंगे, अगर इस पर सेलेक्ट कर रखा होगा तो जिनका टिक लगा होगा सिर्फ उन्हीं को स्टेटस, दो लोगों को ही हमारा स्टेटस दिखाई देगा और पहले इसमें सात लोगों को ही हमारा स्टेटस नहीं दिखाई देगा, बाकी जिनको दिखाई देगा। अगर हम माइक काउंटर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो सभी लोगों को पूरा दिखाई देगा जितने लोगों का नंबर हमारे मोबाइल में सेव किया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यही प्रॉब्लम होती है स्टेटस लगाते वक्त, कुछ लोग लगाते हैं फिर बाद में कहते हैं व्यूज नहीं आते तो काफी लोग परेशान होते हैं। यही सही तरीका है स्टेटस लगाने का और ये चेक करके रखिएगा अपने मोबाइल की सेटिंग को। मैं आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।